ऐश्वर्य में रह करके भी उससे जिसका मोह न हो, अटैचमेंट न हो, छोड़ना हुआ एक सेकंड में छोड़ा महाराज। एक संत घूमते फिरते एक राजा के यहां पहुंचे, महाराज जी के लिए निवेदन कर रहा हूं। महाराजा ने राजा ने उनके लिए दिव्य व्यवस्था करी, रहने के लिए दास दासियों को सेवा में लगा दिया, पुआ पूरी मकवान मलाई और पकवान मलाई रोज बढ़िया बढ़िया दिव्य पदार्थ भोज्य पदार्थ उनको उपलब्ध कराए जाने लगे। दास हैं, दासियां हैं, राजा हैं, रानियां हैं, गीत है, संगीत है, राजा के महल में जो होता है। ठाकुर जी की कृपा से संत भी बहुत आनंद ले रहे हैं। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक को निकलते थे संत को लेकर के राजा जी। राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि अरे हम जैसे रहते हैं वैसे ही ये भी रहते हैं, हम जिस ऐश्वर्य का आनंद ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि संत जी भी उसी ऐश्वर्य का आनंद लेकर के बड़ा गदगद हैं, तो साधु में राजा में फर्क क्या है। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया और संत से पूछ दिया, महाराज एक मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। उन्होंने कहा राजन पूछिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं आनंद ले रहा हूं इस ऐश्वर्य का, उसी तरह से आप भी आनंद ले रहे हो, मेवा खा रहे हो, मलाई खा रहे हो, दूध पी रहे हो, रसमलाई चाप रहे हो, तो महाराज ये संत में और राजा में फर्क क्या है। तो संत केवल मुस्कुरा करके रह गए, किसी दिन बता दूंगा राजन। राजा ने समझा बताना नहीं चाहते, इनके पास कोई उचित जवाब नहीं है महाराज। दूसरे दिन फिर मॉर्निंग वॉक में राजा को लगा कि प्रश्न का जवाब तो मिलना ही चाहिए, इसका उत्तर तो मिलना ही चाहिए। तो राजा ने कहा महाराज मेरे उत्तर का जवाब नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब उत्तर नहीं मिला। तो संत ने कहा अरे उसका उत्तर तो बाद में दे दूंगा, अभी आज एक नई आइडिया, नया विचार मेरे मन में उठा है। तो उन्होंने क्या महाराज, मेरा मन कर रहा है कि चारों धाम हो आया जाए, और इसमें एक महीना से तो होगा नहीं, दो महीना से होगा नहीं, विमान था नहीं उस समय और इतने साधन नहीं थे यातायात के, तो कम से कम चारों धाम की यात्रा में एक वर्ष। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं चारों धाम की यात्रा करूं, राजन तुम भी चलो। कितना समय लगेगा महाराज, तो एक वर्ष। राजा भी धार्मिक था, उसको भी आने का मन था। उसने कहा बस बस महाराज चलूंगा, हमें थोड़ा समय दीजिए 10-15 दिन कि ताकि सारे राजपाट की व्यवस्था कर लूं कि मेरी अनुपस्थिति में कौन चलाएगा, आपातकाल इसकी स्थिति में कौन सेना का नेतृत्व करेगा, राज्य पर आक्रमण हो जाएगा तो फिर उसकी रक्षा कैसे की जाएगी, धन की कमी हो जाएगी तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये सारा बंदोबस्त बस 15 दिन में करके और मैं आपके साथ हो लेता हूँ। तो सन्यासी अपना लोटा डोरी लिए हुए थे, बोले तू कर अपनी व्यवस्था, मैं तो चला। बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले कि राजन संत में, साधु में और राजा में इतना ही फर्क होता है, मैं वहां रह करके भी ऐश्वर्य का भोग करते हुए भी किसी चीज से अटैच नहीं था, और तू चलने के लिए जब चलेगा भी मेरे साथ तेरे मन में यही राज रहेगा, कोई आक्रमण न कर दे, कोई राज छीन न ले, कोई राज को लूट न ले, तो मैं तो बस। तो संत की अपनी मौज होती है, हमारा मन से पकड़ना है, मन से छोड़ना है, ये मन ही बंधन का, मन ही मोक्ष का कारण है महाराज। विदुर जी ने संकेत देखा और संकेत किया, विदुरानी ने बड़े कातर नजर से देखा। अब विदुर जी ने महाराज, ये कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन इतना मजेदार होता है महाराज। हम तो ये कहते हैं गुरु के सामने बैठो, 50 आदमी बैठे आप भी बैठो, गुरु मौन है आप भी मौन हो, या गुरु किसी दूसरे से बात कर रहे हैं आप चुपचाप मौन बैठे हो, लेकिन भीतर से गुरु से आपसे संवाद होने लगे, वो सवाल करने लगे आप जवाब देने लगे, या आप सवाल करने लगे वो जवाब देने लगे, और ठीक ठीक से आपको समझ में आने लगे गुरु ये सवाल कर रहे हैं और हम ये जवाब देने दे रहे हैं। तो बिना मुंह से बोले हुए जब अंतःकरण से अंतःकरण का अस्पष्ट वार्तालाप शुरू हो जाता है, तब आप समझिए महाराज अध्यात्म में आपकी एंट्री हुई, ABCD नर्सरी क्लास।